हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू स्टाइल आईटी कोड 402 क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आप लोगों की जो यूनिट वन है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यूजिंग लिब्रा ऑफिस राइटर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास तीन चैप्टर है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू स्टाइल की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू स्टाइल के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बेस्ट सॉल्यूशन रहने वाला है, जो भी मैं आपको कराऊंगा बेस्ट सॉल्यूशन रहने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर दो। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन लिब्रा ऑफिस राइटर इज आर यूज टू क्रिएट द गिवन डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, बर्थडे पार्टी कार्ड है, ठीक है। आप लोगों को साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, इन्विटेशन कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, जो आप लोगों का एड्रेस ही होता है और जो सेंडर एड्रेस होता है वो आप लोगों को यहाँ पे दिया रहता है। तो आप लोग किसकी मदद से इसको बना सकते हो, ठीक है, लिब्रा ऑफिस के अंदर? पेज बॉर्डर, एनवेलप, पिक्चर फ्रॉम फाइल, इंडेक्सेस एंड टेबल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनवेलप, ठीक है। एनवेलप की मदद से जो है आप लोग ये इन्विटेशन कार्ड, बर्थडे पार्टी कार्ड, वेडिंग कार्ड, इस तरह के कार्ड को आप लोग बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ लिब्रा ऑफिस के अंदर, ठीक है, इस तरह का आप लोगों का एनवेलप होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप लोगों का इंसर्ट ऑप्शन है, इसके अंदर जैसे आप लोग जाओगे ये आप लोगों का एनवेलप, ठीक है, ये इस ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आपको एनवेलप का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप लोगों का ऊपर सेंडर एड्रेस होता है, ठीक है, एक एड्रेसी का एड्रेस होता है जहां पे आप लोगों को भेजना है, और ये सेंडर का एड्रेस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने देखो यहाँ पे ना प्रॉपरली जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ले रखा है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें डायग्राम था, क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर वन जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू स्टाइल है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, इसका आंसर था आपका एनवेलप, ठीक है। आप लोग भी अपनी बुक में नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, ठीक है, जो आप लोगों का स्टाइल होता है, स्टाइल मेन्यू होता है साइड बार ऑप्शन में, राइटर प्रोवाइड ऑप्शन टू वर्क ऑन, ठीक है। जो आप लोगों का राइटर होता है इसमें जो आप लोगों के साइड बार्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका आप लोगों का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल का वीडियो नहीं देखा है आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हो, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। राइटर क्या होता है आप लोगों का, ऐसे समझ लो आप लोग एमएस वर्ड की तरह होता है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस का जो टेक्स्ट फाइल वगैरह आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है लिब्रा ऑफिस के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं राइटर। जैसे कि हम लोग एमएस, ठीक है, ऑफिस के अंदर, एमएस ऑफिस के अंदर अगर हमें डॉक्यूमेंट फाइल बनानी होती है तो हम लोग किसकी मदद से बनाते हैं, एमएस वर्ड की मदद से, ठीक है, उसी तरह का आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज स्टाइल टेम्पलेट इन लिब्रा ऑफिस राइटर, क्या होता है आप लोगों का स्टाइल टेम्पलेट लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर, ठीक है। आप लोगों का पहला ऑप्शन है आपका प्री डिफाइंड, ठीक है, प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल, वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल, वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर आप लोगों का क्लस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड राइटर। इसका जो आप लोगों का सही आंसर होगा वो होगा वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल, ठीक है। आप लोगों का टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, टेम्पलेट क्या आप लोगों का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, मॉडल डॉक्यूमेंट भी आप लोग कह सकते हो, जिसकी मदद से आप लोग दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप लोग दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो, मतलब आप लोग एक फॉर्मेटिंग बना लेते हो, उसके हिसाब से फिर आप लोग जो है अदर डॉक्यूमेंट को वहां पे क्रिएट करते हो। जैसे आप लोगों का इन्विटेशन कार्ड हो गया, बर्थडे कार्ड हो गया, आप लोग जो है आप लोगों ने बनाया भी होगा कभी, तो आप लोग क्या करते हो उसमें किसी और का जो इन्विटेशन कार्ड है उसको एडिट कर देते हो, जो आप लोगों का नाम वाम होता है वो चेंज कर देते हो, ठीक है। बट इस स्टाइल टेम्पलेट इन लिब्रा ऑफिस राइटर, इसका आंसर हो जाएगा वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल, एक तरह से कैसा स्टाइल है, मॉडल स्टाइल है, जिसकी मदद से आप लोग दूसरे स्टाइल को दूसरे आप लोग जो है डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। आप लोगों के पास ऑप्शन है, कौन सा जो है इनमें से, ठीक है, स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट को बताता है, लाइक पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। आप लोगों के पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस को कौन बताता है, स्टेटस जो होता है आपके डॉक्यूमेंट का, ठीक है। स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग, या फिर आप लोगों का जो ऑप्शन है टाइटल बार, ठीक है, इसमें से आप लोगों का कौन सा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसका आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार हमें बताता है पेज नंबर को, नंबर ऑफ पेजेस को। मैं लिब्रा ऑफिस को दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सबसे नीचे, ठीक है, ये आप लोगों का होता है, ठीक है, ये आप लोगों का होता है स्टेटस बार, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पेज नंबर आपको दे रखे हैं, वर्ड्स आप लोगों को दे रखे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमें स्टेटस बताता है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस है, किस पेज नंबर पे अभी हम लोग जो है ऑलरेडी खड़े हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सेस स्टाइल मेन्यू, ठीक है, कौन सा आपका यूज होता है, ठीक है, एक्सेस करने के लिए स्टाइल मेन्यू को। आप लोगों का F11, फंक्शन की, साइड बार मेन्यू, फॉर्मेटिंग टूल बार, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। F11 की से भी करते हो, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ऑल्ट प्लस टू, इसकी मदद से भी जो है आप लोग, ठीक है, एक्सेस कर सकते हो स्टाइल मेन्यू को। साइड बार मेन्यू होता है जो कि आप लोगों का लिब्रा ऑफिस में, इस साइड में आप लोग देख रहे होंगे,
ये वाला जो होता है आपका साइड बार होता है, ठीक है, ये वाला इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, ठीक है, यहाँ से भी आप लोगों को जो होता है इसकी मदद से भी जो है आप लोग जो है स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगला जो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला जो आप लोगों का फिलिंग द ब्लैंक्स है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है, कौन सा आप लोगों का कलेक्शन होता है डिफरेंट फॉर्मेट का, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टाइल। स्टाइल जो होता है आप लोगों का कलेक्शन होता है डिफरेंट फॉर्मेट का, स्टाइल ही को आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है तो ज्यादातर आप लोगों का स्टाइल ही आता रहेगा, ठीक है, स्टाइल होता है आप लोगों का डिफरेंट फॉर्मेट का कलेक्शन, ठीक है, डेफिनेशन भी आप लोगों की। अगला है आप लोगों का स्टाइल आर स्पेशली हैंडी इन, जो आप लोगों का स्टाइल्स होता है वो आप लोगों का हैंडी होता है किसमें, ठीक है, लिब्रा ऑफिस के अंदर। हैंडी का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों का हैंडी होता है उसका मतलब होता है यूजफुल, ठीक है, हैंडी का मतलब होता है यूजफुल। तो स्टाइल जो होता है हमारा यूजफुल होता है किसमें, लिब्रा ऑफिस में। भैया लिब्रा ऑफिस बिना स्टाइल के कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला जो आप लोगों का है प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल इंप्रूव, ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ जो आप लोगों का स्टाइल होता है वो इंप्रूव करता है डॉक्यूमेंट में, क्या करता है इंप्रूव, कंसिस्टेंसी को, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, समानता, ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने देखो किस तरह से, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे हेडर जो है हमारा ग्रीन कलर से है, फिर आप लोगों की जो हेडिंग है फिलिंग द ब्लैंक्स वाली ब्लू कलर से हम लोगों ने ली थी, ठीक है, जो आप लोगों का फुटर है वो रेड कलर से है जिसमें हम लोगों ने अपने चैनल का नाम लिखा है, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग देख रहे होंगे एक हेडिंग ये है आप लोगों की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, हम लोगों ने ब्लू कलर से लिए, जिस तरह से हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स की ली थी ब्लू कलर से उसी तरह से। तो ये फॉर्मेटिंग होती है, जो हमारा टेक्स्ट है उसका साइज आप लोग देख रहे होंगे एक बराबर है, यानी कि 14 साइज है, ठीक है, एरियल हम लोगों ने फॉन्ट लिया है हर जगह पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल इंप्रूव कंसिस्टेंसी ना डॉक्यूमेंट। अगला है आप लोगों का, ठीक है, अगर हम लोग जो है मैनुअल फॉर्मेटिंग करते हैं तो कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन नहीं रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का द फर्स्ट 5 बटन एट द टॉप ऑफ द स्टाइल विंडो सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, जो आप लोगों के फर्स्ट 5 ऑप्शंस होते हैं, जो आप लोगों के फर्स्ट 5 ऑप्शंस होते हैं 5 बटन्स होते हैं एट द टॉप ऑफ द स्टाइल विंडो सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, इसका आंसर है आप लोगों का स्टाइल। जो आप लोगों के फर्स्ट 5 बटन होते हैं स्टाइल, ठीक है, एट द टॉप ऑफ स्टाइल, ये आप लोगों के सिलेक्ट करते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं, आप लोगों का कैटेगरी ऑफ स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है यूजिंग प्री डिफाइंड क्रिएट बुकमार्क इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्री डिफाइंड क्या होती है आपकी हेडिंग्स होती है जिसकी मदद से आप लोग क्या क्रिएट करते हो, बुकमार्क को क्रिएट करते हो। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है, बुकमार्क का, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, आप लोग इंसर्ट के अंदर जाओगे, इंसर्ट में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये बुकमार्क का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे, मैं इंसर्ट फिर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा आपका, ठीक है, बुकमार्क का ऑप्शन इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजिंग प्री डिफाइंड हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग जो है आप लोगों की बुकमार्क को करने के काम आती है। बुकमार्क क्या होता है आप लोगों का, आप लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जाना चाहते हो, आप लोगों को लोकेशन को जो है मार्क करना है तो आप लोग बुकमार्क की मदद से मार्क कर पाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 ऑन ओपनिंग अ न्यू फाइल स्टाइल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, आप लोगों को ओपनिंग करनी है एक न्यू फाइल की, ठीक है, अगर आप लोग जो है ओपन करते हो न्यू फाइल को स्टाइल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिफॉल्ट स्टाइल क्या होगा आप लोगों का, आप लोगों का डिफॉल्ट स्टाइल जो होगा वहां पर लगा रहेगा जब आप लोग जो है एक नई फाइल को ओपन करोगे, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को फिर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नई फाइल को ओपन करते हो तो आप लोगों का डिफॉल्ट स्टाइल जो होता है वो यूज होता है फॉर्मेटिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट में, फिर आप लोग चाहो तो अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है इन पेज लेआउट डॉक्यूमेंट यू कैन अरेंज डैश लाइक टेक्स्ट बॉक्स एंड ग्राफिक्स, ठीक है, इन पेज लेआउट डॉक्यूमेंट यू कैन अरेंज, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ये आप लोगों का जो इसका आंसर रहेगा ऑब्जेक्ट्स, इन पेज लेआउट डॉक्यूमेंट यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स एंड ग्राफिक्स, ये आप लोगों के क्या होते हैं टेक्स्ट बॉक्स एंड ग्राफिक क्या होते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप लोगों को आंसर लास्ट में जो है एक बार दिखा दूंगा अगर आप लोगों को थोड़ा सा राइटिंग को समझने में दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टर स्टाइल आर ऑफन इंटीग्रेटेड इन, जो आप लोगों का कैरेक्टर स्टाइल होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, कहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है आप लोगों का, एक तरह से यार पार्ट ऑफ पैराग्राफ स्टाइल ही होता है कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है, मतलब आप लोगों के देखो पैराग्राफ है, इसमें से आप लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को ब्लॉक ऑफ लेटर्स को जो है अगर आप लोग स्टाइल करते हो तो वो क्या होता है आप लोगों का, वो आप लोगों का कैरेक्टर स्टाइल होता है, मतलब पैराग्राफ के स्टाइल को ही हम लोग कैरेक्टर स्टाइल कहते हैं। पैराग्राफ के कुछ पार्ट को अगर हम लोग स्टाइल करते हैं तो उसको हम लोग कैरेक्टर स्टाइल कहते हैं, ठीक है। अगला है आप लोगों का डैश अलाउ टू अप्लाई स्टाइल एट डिफरेंट प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, कौन अलाउ करता है स्टाइल को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस में डॉक्यूमेंट को, जो भी आप लोगों की अलग अलग स्कैटर्ड होती है, ठीक है, फैली भी होती है, अलग अलग आप लोगों की स्कैटर्ड आपके वर्ड्स होते हैं उनको आप लोगों को अगर स्टाइल करना है किसकी मदद से करोगे आप लोग, फील फॉर्मेट, फील फॉर्मेट मोड भी आप लोग लिख सकते हो,
फील फॉर्मेट की मदद से जो है आप लोग अलाउ करता है आपको अप्लाई करने के लिए स्टाइल को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, ठीक है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी देखा था, फील फॉर्मेट की मदद से आप लोग अलग अलग जगह पे फॉर्मेट कर सकते हो जो आप लोगों के स्कैटर्ड वर्ड्स होते हैं, स्कैटर्ड अलग अलग पैराग्राफ में पेज में जो भी स्कैटर्ड चीजें होंगी उनको आप लोग स्टाइल करना है तो आप लोग जो है फील फॉर्मेट की मदद से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्री डिफाइंड स्टाइल भी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। जो आप लोगों का प्री डिफाइंड स्टाइल होता है, ठीक है, वो आप लोगों का कैनॉट, ठीक है, कैनॉट बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। जो आप लोगों का प्री डिफाइंड स्टाइल होता है उसको आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं कर सकते, आप लोग किस मेथड से कर सकते हो, सिलेक्शन मेथड से, ठीक है, अगर आप लोगों को अपडेट करना है, ठीक है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, जो आप लोगों का ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड होता है, ठीक है, वो आप लोगों का यूज नहीं होता है किसको क्रिएट करने के लिए, जो आप लोगों का पेज स्टाइल होता है उसको आप लोगों को अगर क्रिएट करना है तो आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं कर सकते, आप लोग सिलेक्शन मेथड से कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप से आप लोग जो है पेज स्टाइल को क्रिएट नहीं कर सकते, ये आप लोग ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आप लोगों के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी के ये फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोगों ने कर लिए थे, आप लोगों के एमसीक्यू कर लिए थे, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स को हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, जो आप लोगों का सी वाला पार्ट है इसको हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है, सी पार्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का सी पार्ट है, ठीक है, मैं एक बार आपको ना सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं और ये आप लोगों के जो फिलिंग द ब्लैंक्स के सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, क्या अंडरस्टैंड करते हो आप लोग, ठीक है, क्या अंडरस्टैंड करते हो आप लोग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, ठीक है। राइटर क्या है आप लोगों का, एमएस वर्ड की तरह आप लोग समझ सकते हो, जहां पे आप लोग डॉक्यूमेंट फाइल्स को क्रिएट करते हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने अगर मेरे नोट्स को पढ़ा होगा, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें प्रैक्टिकल भी कराया था थ्योरी भी कराई थी, तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, जो आप लोगों का स्टाइल होता है वो क्या होता है, स्टाइल को आप लोगों को पकड़ना है, सिंपल सा रखना है, कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विच यू वॉन्ट टू सेव एंड देन अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट। आप लोग स्टाइल को सेव भी कर सकते हो, फिर आप लोग उसको किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो आप लोग टेम्पलेट क्रिएट कर लो, चाहे आप लोग उस फाइल को किसी डॉक्यूमेंट में सेव कर लो, फिर बाद में उसको क्या है आप लोग लोड करके भी आप लोग जो है उस स्टाइल को यूज कर सकते हो। सिंपल सा अगर आप लोग सिंपल भाषा में बोलोगे, स्टाइल क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपको फॉर्मेट करना है मान लो किसी भी चीज को, तो आप लोगों ने डिसाइड किया साइज 12 रखोगे, एरियल आप लोगों का फॉन्ट होगा, वेट क्या होगा आपका बोल्ड होगा, अलाइनमेंट क्या होगा लेफ्ट होगा। आप लोग चाहो तो वेट को रेगुलर भी कर सकते हो, सिंपल हम लोगों ने भी बोल्ड करके रखा हुआ है जो आप लोग टेक्स्ट देख रहे होंगे, ठीक है। ये सारी आप लोगों की क्या होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों की फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब आप लोगों को किस तरह से फॉर्मेट करना है डॉक्यूमेंट को, ये वर्ड को आप लोग याद रखना स्टाइल में फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट मतलब आप लोग किस तरह से उसको सेट करोगे, ठीक है, ये आप लोगों को है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फॉन्ट कैन बी स्टोर्ड एज अ स्टाइल विद द नेम ऑफ टाइटल स्टाइल, ठीक है, आप लोग टाइटल स्टाइल से सेव कर सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कुछ भी कर लो, मेरा स्टाइल बना लो, कुछ भी बना लो स्टाइल का नाम, ठीक है। आप लोग स्टाइल को क्यों यूज करते हो, अवॉइड इनकंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग एंड रिड्यूस टाइम एफर्ट इन फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, वी यूज स्टाइल एंड राइटर, ठीक है, आप लोगों की इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी ना आए, इनकंसिस्टेंसी मतलब होता है असमानता। देखो हमारे आप लोग जो है नोट्स देख रहे होंगे, जो आप लोगों के आंसर हैं, क्वेश्चन मैंने देखो रेड से लिया है, आंसर का जो मैंने आंसर लिखा है वो मैंने रेड से लिया है, सॉरी ब्लू से लिया है, फिर जो नीचे आप लोगों को दे रखा है ब्लैक से लिया है। टेक्स्ट का साइज देख रहे होंगे आप लोग, एक साइज का है 16 है जो आप लोगों का, यहाँ पे फॉन्ट एरियल है, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने चीजों को किया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो हमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करना होता है, ठीक है, और आप लोगों को रिड्यूस करना है टाइम को, आप लोग एक बार स्टाइल क्रिएट कर लो फिर जहां मर्जी उसको यूज कर लो। मैनुअल फॉर्मेटिंग क्या होता है, आप लोगों को टाइम लगता है फिर आप लोगों को, ठीक है, इन फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट वी यूज स्टाइल एंड राइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे, वीडियो को जरूर से शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अगला क्वेश्चन है, राइट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल ओवर मैनुअल फॉर्मेटिंग फॉर डिजाइनिंग अ डॉक्यूमेंट, इसको हम लोगों ने वैसे क्लियर कर ही लिया है, ठीक है। एडवांटेजेस पूछ रहा है किसके, स्टाइल के, स्टाइल के ही हमारे क्या होते हैं एडवांटेजेस होते हैं, किसके ऊपर पूछ रहा है, ठीक है, मैनुअल फॉर्मेटिंग के ऊपर। मैनुअल फॉर्मेटिंग और जो आप लोगों का स्टाइल होता है, दो तरह का आप लोग जो है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो। मैनुअल फॉर्मेटिंग आप लोग 9th में करते थे, फिलहाल इस चैप्टर में जो है हम लोग स्टाइल की मदद से करेंगे, ठीक है, फॉर डिजाइनिंग अ डॉक्यूमेंट। वैसे आप लोगों को जो 10th क्लास में करना है वो स्टाइल की मदद से करना है, ठीक है। तो आप लोगों के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं यूजिंग स्टाइल ओवर मैनुअल फॉर्मेटिंग, मैंने बता दिया आपको, कंसिस्टेंट होता है डॉक्यूमेंट में, जो भी आप लोग चेंजेस करोगे फॉर्मेट करोगे कंसिस्टेंट होंगे, मतलब समानता होंगी, और जो आप लोगों के चेंजेस होंगे वो इजी होंगे, और जो आप लोगों के चेंजेस होंगे वो क्विक होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। पहला आप लोगों का यहाँ पे देखो, ठीक है, 6 तरह की होती है आपकी, पहला आप लोगों का पेज स्टाइल, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा आपका कैरेक्टर स्टाइल, चौथा आप लोगों का फ्रेम स्टाइल, पांचवा आप लोगों का लिस्ट स्टाइल,
और छठवां है आपका टेबल स्टाइल। आप लोग देख रहे होंगे नोट्स कितने इजी हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कोशिश की है जो हमारा है, ठीक है, जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को वही नोट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो और चीजें आप लोगों को एकदम याद हो जाए, ठीक है। पेज स्टाइल क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा, इट इज यूज्ड टू फॉर्मेट द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ पेज। अपीयरेंस जो होती है पेज की, भाई देखो पेज स्टाइल है तो पेज की अपीयरेंस को चेंज करेगा, फॉर्मेट करेगा। पैराग्राफ स्टाइल है तो पैराग्राफ की अपीयरेंस को चेंज करेगा, कैरेक्टर स्टाइल है तो कैरेक्टर की अपीयरेंस को चेंज करेगा, ठीक है। फॉर्मेट करता है, वर्ड याद रखना आपको स्टाइल में, फॉर्मेट करता है किसको, ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ पेज की, ठीक है। अगला है आप लोगों का पॉइंट, इट इंक्लूड पेज साइज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, ठीक है। जो आप लोगों के बैकग्राउंड होते हैं पेज के वो आप लोग कर सकते हो, हेडर फुटर कर सकते हो। हेडर फुटर क्या होता है, ये आप लोगों का हेडर होता है जैसे हम लोगों ने बनाया ऊपर की साइड, और ये आप लोगों का फुटर होता है। ये आप लोग देख रहे होंगे हर पेज में आपका रिपीट होगा, आगे आप लोग देख लेना, ठीक है, हर पेज में हमारा ये रिपीट होगा। तो आप लोगों को चीजों को रिपीट करना है तो आप लोग हेडर फुटर की मदद से कर सकते हो। फिर आप लोगों के मार्जिन होते हैं, लेफ्ट से कितना मार्जिन रखना है, राइट से कितना रखना है, हेडर फुटर मैंने आपको बता दिया। पेज साइज और बैकग्राउंड वगैरह को आप लोग कर सकते हो, बैकग्राउंड हम लोगों ने नहीं लिया है, ठीक है। अगला है आप लोगों का पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल हम लोगों ने देख लिया। पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है, फॉर्मेट करता है पैराग्राफ की अपीयरेंस को। इसके अंदर आपका आता है टैब स्टॉप, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर। लाइन्स में कितना स्पेस रखना है, बॉर्डर में कितना स्पेस रखना है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या रखनी है, लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है। टैब स्टॉप मतलब होता है कि आप लोगों को कितना गैप देना है, ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में, या आप लोग जो भी डिजाइन बना रहे हो, ठीक है। सपोज आप लोगों ने कोई फॉर्म बनाया नेम, तो आप लोगों का कितना यहाँ पे रहेगा, फिर आप लोग जैसे मान लो क्लास लिख रहे हो, फिर आप लोगों ने टैब स्टॉप दबाया तो आप लोगों का यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब एक बराबर रहेगा, ठीक है। फिर आप लोग कोई बड़ी चीज लिख रहे हो, मान लो माय स्कूल, ऐसे करके सपोज आप लोगों ने लिखा, तो ये आप लोगों का फिर यहीं तक बराबर रहेगा, जो आप लोगों के डैशेस होंगे बराबर रहेंगे, इसको हम लोग टैब स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग करके देखना एक बार, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बता देना, ठीक है। टैब स्टॉप को आप लोग समझ लो कि कितनी दूर तक आपके स्पेस जाने चाहिए, ठीक है, फॉर्मेटिंग करने के काम आता है। पैराग्राफ स्टाइल हो गया, कैरेक्टर स्टाइल होता है आपका, फॉर्मेट करता है ब्लॉक ऑफ लेटर्स को इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर आपको जैसे मान लो सपोज करो ये आप लोगों का पैराग्राफ, इसके अंदर आप लोगों को मान लो सपोज कुछ वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को आपको फॉर्मेट करना है, वो हम लोग करते हैं कैरेक्टर स्टाइल की मदद से, ठीक है। इट इज यूज्ड टू फॉर्मेट ब्लॉक ऑफ लेटर्स इन द पैराग्राफ, इट इज यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट। कोई पार्ट ऑफ पैराग्राफ को जो है आप लोग उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के काम आता है। इट इंक्लूड टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, हाईलाइटिंग टेक्स्ट एंड एम्फेसाइजिंग इट, ठीक है। आप लोग टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो और एम्फेसाइज कर सकते हो, मतलब आप लोग जो है उसको फोकस पे ला सकते हो, एम्फेसाइज मतलब फोकस पे, ठीक है। फ्रेम स्टाइल क्या होता है आपका, फ्रेम स्टाइल क्या होता है, फॉर्मेट करता है फ्रेम को। देखो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में फ्रेम्स जो होते हैं आप लोगों के कंटेनर्स होते हैं जो कि होल्ड करते हैं टेक्स्ट, ग्राफिक एंड लिस्ट, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ लो फ्रेम है, इसके अंदर आपकी इमेज भी हो सकती है, या आप लोगों की इमेज है सपोज, फिर यहाँ पे आप लोगों का कोई टेक्स्ट होगा, ठीक है, कोई पिक्चर हो गई आप लोगों की, ठीक है। क्या क्या चीजें आप लोगों की इसके अंदर होती है फ्रेम के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट को होल्ड करता है, ग्राफिक को, ग्राफिक क्या होता है आप लोगों का पिक्चर्स, ग्राफिक क्या होता है आप लोगों का पिक्चर्स, और लिस्ट, लिस्ट भी आप लोगों की यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। कोई भी पिक्चर ओवरलैप ना करे टेक्स्ट के साथ उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अगला है आप लोगों का लिस्ट स्टाइल, इट इज यूज्ड टू फॉर्मेट लिस्ट, ठीक है। जो आप लोगों की लिस्ट होती है उसको फॉर्मेट करने का काम आता है नंबरिंग और बुलेट की मदद से। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये बुलेट हम लोगों ने लगाया, तो इसमें हम लोगों ने एक तरह से कौन सा फॉर्मेट लगाया, ठीक है, लिस्ट स्टाइल हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, ठीक है। नंबरिंग की मदद से भी कर सकते हो, देख रहे होंगे आप लोग 4, 5, 6, 1, 2, 3 इस टाइप से हम लोगों ने लिए, ये भी हमारा क्या है, लिस्ट स्टाइल का पार्ट है। 1 से पेज स्टाइल, 2 से पैराग्राफ स्टाइल, 3rd से कैरेक्टर, फिर आप लोग जो पॉइंट्स देख रहे होंगे हम लोगों ने देखो बुलेट्स का यूज किया है, ठीक है, ये आप लोग देख लो, ठीक है। अगला है आप लोगों का टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल क्या होता है, फॉर्मेट करता है टेबल को। इसके अंदर आपका क्या आता है, टेबल के आप लोग क्या कर सकते हो, बॉर्डर्स को, टेक्स्ट को, बॉर्डर कलर, अलाइनिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल, हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स और टेक्स्ट कलर, जो भी आप लोगों का टेबल होता है उसके अंदर आप लोग जो भी चेंजेस करना चाहते हो उसके टेक्स्ट को लेकर, बॉर्डर को लेकर, वो सब आप लोग कर सकते हो टेबल स्टाइल की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट डाउन द स्टेप टू अपडेट अ स्टाइल। आप लोगों को स्टेप्स लिखना है, ठीक है, वैसे हम लोगों ने जो है इसके प्रैक्टिकल कर रखे हैं, आप लोग जाके हमारे वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर की भी कोशिश करूंगा, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी करूंगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए होगा वीडियो में तो आप लोग जरूर से कमेंट करना, फिर मैं अगले वीडियो में जो है उस इंप्रूवमेंट को अप्लाई करूंगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, राइट डाउन द स्टेप्स टू अपडेट अ स्टाइल। वैसे स्टेप्स वगैरह ज्यादा एग्जाम में लिखने के काम नहीं आते हैं, ठीक है, बट एक मार्क्स का क्वेश्चन कभी टकर जाता है, ठीक है, पूरे स्टाइल जो आप लोगों के स्टेप्स होते हैं वो लिखने के लिए नहीं आते एग्जाम्स में, फिर भी हल्का सा हम लोग देख लेते हैं। राइट डाउन द स्टेप्स टू अपडेट अ स्टाइल, हम लोगों ने प्रैक्टिकल की मदद से भी इन स्टेप्स को हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है, तो वीडियो जरूर देख लेना, वो वाला मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। राइट डाउन द स्टेप्स टू अपडेट अ स्टाइल, आप लोगों को स्टेप्स को लिखना है, ठीक है, अपडेट करने के लिए स्टाइल्स को, ठीक है, कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिलेक्ट करना है पेज पैराग्राफ जिसको भी आप लोगों को मॉडिफाई करना है, फिर फॉर्मेट द सिलेक्टेड पोर्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। मान लो सपोज करो आपको अपडेट करना है उसके साइज को,
जो भी टेक्स्ट है, तो आप लोग साइज को चेंज कर लो, कलर को चेंज कर लो, जो आप लोगों को चेंज करना है। फिर जाना आपको गो टू स्टाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन द बटन टू अपडेट। ठीक है, आप लोगों को अपडेट बटन पे क्लिक करना है यूजिंग स्टाइल एक्शन बटन, क्लिक ऑन द अपडेटेड सिलेक्टेड स्टाइल। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये आप लोगों का स्टाइल एक्शन बटन होता है। ठीक है, इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपडेट करना है तो आप लोग ये सेकंड वाले ऑप्शन पे अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, इस पर आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, जो आप लोगों का सेकंड ऑप्शन है अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, इस पर आप लोग जो है यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है अपडेट कर सकते हो किसी भी स्टाइल को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और अपडेट कर देना, कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, अगला आप लोगों का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, क्या होता है आप लोगों का कस्टम स्टाइल। ठीक है, कस्टम स्टाइल क्या होता है भाई, देखो कुछ तो वहां पे डिफॉल्ट स्टाइल होते हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर, कुछ जो आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, फिर जब मर्जी आप लोग यूज करो। कस्टम स्टाइल मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सपोज करो आप लोग किसी और के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अपने के लिए बना रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे, क्रिएट करोगे नए स्टाइल को एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। दो मेथड्स होते हैं आप लोगों के क्रिएट करने के कस्टम स्टाइल को, सिलेक्शन से और आप लोगों का ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। ठीक है, आप लोग सिलेक्ट करके भी कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का था क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखो ये आप लोगों का एनसीईआरटी बुक के अंदर देखो किस तरह से आप लोगों को दे रखा था क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को भी मतलब सही नहीं लगा एक तरह से, ये आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है प्रॉपरली। इन अ डॉक्यूमेंट इस तरह से आपको दे रखा है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू यूज टू डू। ठीक है, ये आप लोगों को चीजें करनी है, आप लोगों को यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, तो एक तरह से क्वेश्चन भी यही दे रखा है आपको, आंसर भी यही दे रखा है। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आया क्लियरली, बट इसका जो क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को करनी है। ठीक है, जो आप लोगों को चीजें दे रखी है, कुछ पर्टिकुलर चीजें आपको करनी है। प्रैक्टिकल वाला पार्ट में ये क्वेश्चन एक बार आ सकता है, बट किस तरह से आएगा, राइट द स्टेप टू परफॉर्म द डिजायर टास्क, आप लोगों को स्टेप्स लिखना है, राइट द स्टेप्स टू परफॉर्म द डिजायर टास्क, ये आप लोगों को जो भी टास्क करना है इसको परफॉर्म करने के लिए स्टेप्स लिखना है भाई। तो स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं सारे के सारे, आप लोग एक बार देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लग नहीं रहा है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, कमेंट जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है, गिव टू एग्जाम्पल वेयर इंस्टेड ऑफ स्टाइल यूजिंग मैनुअल फॉर्मेटिंग विल बी बेनिफिशियल, आप लोगों को ठीक है दो एग्जाम्पल देने जहां पे आप लोगों का इंस्टेड ऑफ स्टाइल यूजिंग मैनुअल फॉर्मेटिंग विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, स्टाइल के मुकाबले जो आप लोगों का स्टाइल होता है उसके मुकाबले जो होता है आपका मैनुअल फॉर्मेटिंग यूजफुल है। वैसे ज्यादातर देखो सारे फायदे क्या है स्टाइल के हैं, कंसिस्टेंट होता है, इजी होता है, फास्ट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछ लिया आपसे, मैनुअल फॉर्मेटिंग के फायदे पूछ लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये तीन फायदे जो है हम लोगों ने लिखे हैं पॉइंट वाइज, देखो आप लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो मैनुअल फॉर्मेटिंग के तीन फायदे, वैसे कोई बड़े बड़े फायदे नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग देख लो फिर भी जब पूछा है तो, इन केस यू आर यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर डिफरेंट पैराग्राफ। ठीक है, सपोज करो आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ये है, सपोज करो दूसरा पैराग्राफ ये है, तीसरा पैराग्राफ ये है, भाई आप चाहते हो कि इसी पैराग्राफ में आप लोग केवल फॉर्मेट करो, इसमें ना करो, मतलब एक दो पैराग्राफ में आपको करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैनुअल फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हो। या आप लोग चाहते हो कि इस पैराग्राफ में अलग फॉर्मेटिंग करो, इस पैराग्राफ में अलग करो, इसमें आप लोग अलग करो, तो आप लोग मैनुअल फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हो। इनकेस यू आर नॉट अवेयर अबाउट द यूजिंग ऑफ स्टाइल प्रॉपरली, अगर आप लोगों को स्टाइल को यूज करना नहीं आता है तो आप लोग फिर किसकी मदद से करोगे, मैनुअल फॉर्मेटिंग। अगला है, इट इज यूज टू फॉर्मेट स्मॉल पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो आप लोगों का मैनुअल फॉर्मेटिंग होती है वो यूज होता है आपका स्मॉल पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। सपोज करो आप लोगों का पूरा पैराग्राफ है, इसमें केवल आपको एक ही वर्ड को फॉर्मेट करना है, ठीक है, या दो वर्ड को फॉर्मेट करना है, तो आप लोग किसकी मदद से करोगे, फिर आप लोग मैनुअल फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हो। बट आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट में करना है तो आप लोगों को फिर स्टाइल को लगाना ही होगा। चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गिव वन सिचुएशन इन विच यू विल प्रेफर टू यूज फील फॉर्मेट फॉर स्टाइलिंग योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप लोगों को सिचुएशन देनी है कि आप लोग जो है फील फॉर्मेट को यूज करो फॉर स्टाइलिंग योर डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया था फील फॉर्मेट जो होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट जो आप लोगों के वर्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, पैराग्राफ में जो होता है आप लोगों के डॉक्यूमेंट में स्कैटर्ड जो आप लोगों के वर्ड्स होते हैं, स्कैटर्ड जो आप लोगों को चीजों को स्टाइल करना होता है, फैली हुई चीजों को अलग अलग जगहों पे, तो आप लोग किसकी मदद से करते हो, फील फॉर्मेट की मदद से करते हो। किसकी मदद से करते हो, फील फॉर्मेट की मदद से करते हो। ठीक है, तो इसने पूछ लिया सिचुएशन को, यानी कि आप लोगों को एक तरह से एडवांटेज पूछ लिया। फील फॉर्मेट मेथड जो होता है यूजफुल होता है जब आप लोगों का सेम स्टाइल को अप्लाई करना हो, आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में स्कैटर्ड इन द डॉक्यूमेंट, जो आप लोगों के अलग अलग प्लेसेस होंगे स्कैटर्ड होंगे डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, जैसे सपोज करो आप लोगों को ये आप लोगों का एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये आप लोग कह सकते हो एक पेज है, आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट करना है, सपोज करो एक यहाँ पे करना है, एक आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट करना है, तो आप लोग फील फॉर्मेट की मदद से कर सकते हो। ठीक है, फील फॉर्मेट कैन बी यूज टू फॉर्मेट, ठीक है, यूज टू स्टाइल पेज फ्रेम्स टेबल्स लिस्ट पैराग्राफ और कैरेक्टर। ठीक है, पेज स्टाइल आप लोग क्रिएट कर सकते हो फिल फॉर्मेट की मदद से, फ्रेम को कर सकते हो, टेबल्स को कर सकते हो, लिस्ट को, पैराग्राफ को और कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो आप लोग जो है सभी चीजों को जो है इसको कर सकते हो। अगला जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर नाइन, राइट स्टेप्स टू लोड स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट। आप लोगों को जो है स्टेप्स लिखने लोड करने के टेम्पलेट से स्टाइल को। ठीक है, राइट स्टेप्स टू लोड स्टाइल, स्टाइल को आप लोगों को लोड करना है किसकी मदद,
कहां से? टेम्पलेट से। टेम्पलेट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एक प्री डिफाइंड, ठीक है, आप लोगों का डॉक्यूमेंट होता है जिसकी मदद से आप लोग किसी और दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से जो आप लोग किस टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हो अपने स्टाइल के हिसाब से, फिर आप लोग जब मर्जी चाहो उसको दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज कर लेते हो। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम्पल होता है टेम्पलेट में, आप लोग जैसे वेडिंग कार्ड बनाते हो एक टेम्पलेट होता है, बर्थडे कार्ड बनाते हो टेम्पलेट होता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें, जो आप लोगों का लोड स्टाइल होता है कॉपी करता है स्टाइल को फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो आप लोगों के एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स होते हैं वहां से आप लोग जो है लोड करवाते हो। देखो आप लोगों के स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले आपको क्लिक करना है लोड स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल मेन्यू, लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, चूज करना आपको कैटेगरी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, फाइंड करना है, सिलेक्ट करना है डिजायर्ड टेम्पलेट को जिसको आप लोगों को कॉपी करना है, ऑल्सो सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर द टाइप ऑफ स्टाइल टू बी कॉपीड सच एज पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, पेज और लिस्ट, में भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर आप लोगों को क्लिक करना है ओके बटन पर। देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट है उसको आप लोगों को वहां पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों का जो होगा यहाँ पे देख रहे होंगे आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के क्या होता है, स्टाइल एक्शन बटन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो तीन ऑप्शन आते हैं, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, लोड फ्रॉम टेम्पलेट। हमें क्लिक करना है यहाँ पर लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे फिर आप लोगों के सामने ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग चाहो तो, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन है पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम वाला करना है, पेज करना है, लिस्ट करना है, ओवरराइड। तो अगर आप लोगों को पैराग्राफ कैरेक्टर करना है तो यहाँ पे जाओगे, फिर आप लोगों के जो होंगे यहाँ पे आप लोगों ने अगर क्रिएट कर रखा है कोई टेम्पलेट तो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, फिर वहां से जो है आप लोग लोड कर सकते हो ओके करके। चाहे तो आप लोग फाइल से भी कर सकते हो, बस इस क्वेश्चन में आपको टेम्पलेट की मदद से बोला था, तो ये आप लोगों का टेम्पलेट वाला मेथड है। ठीक है, किस तरह का आप लोगों को लगा सॉल्यूशन, जो मैंने आपको सॉल्यूशन कराया किस तरह का आपको लगा, आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सारे। ठीक है, सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो जल्दी से जाके आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों को भी बोलो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर से कमेंट करना यार, मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियो को, तो लाइक भी कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी सारा कंटेंट आने वाला है आईटी कोड 402 को लेकर, उसके PYQs हो, चाहे आप लोगों के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हो, चाहे आप लोगों के नोट्स हो, चाहे आप लोगों के वन शॉट वीडियोस हो। ठीक है, सभी आप लोगों के जो है इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।